हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए मक्खन के जैसा बिल्कुल स्मूथ काजू कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसे बनाने के लिए मैं 400 ग्राम काजू ली हूँ। देखिए, मैं छोटी वाली काजू ली हूँ, आप कोई भी काजू यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक मिक्सी जार ली हूँ, इसमें मैं अपना काजू डाल दूँगी और डालकर ढक्कन लगाकर इसे पीसूँगी। इसे एक साथ नहीं पीसना है, एक सेकेंड या दो सेकेंड के लिए पीसना है। फिर इसे चम्मच से मिला लीजिए, उसके बाद फिर ढक्कन लगा के एक से दो मिनट के लिए इसे पीस लीजिए। इसे कंटिन्यू नहीं पीसिएगा, नहीं तो ये काजू गर्म हो जाएगी और वो अपना तेल छोड़ देगा, जिससे काजू कतली अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं अपना काजू पीस चुकी हूँ, अब मैं इसे छलनी से चाल लूँगी। तो देखिए, मैं अपने सारे काजू को चाल ली हूँ, ये पूरा स्मूथ बन चुका है। इसके बाद मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी काजू में। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक कढ़ाई ली हूँ, इसमें लगभग 250 ग्राम चीनी डाल दूँगी और लगभग 150 ग्राम पानी डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से उबाल लूँगी। लगभग एक तार की चाशनी आने तक इसे मैं पकाऊँगी। तो देखिए, हमारा जो चाशनी है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको इसे पानी में डालकर दिखाती हूँ। ये चाशनी पानी में डालने से अगर बैठ जाए तो समझिए आपका चाशनी हो गया। देखिए, हमारी चाशनी जो है वो पानी में जाने के साथ ही वो बैठ चुकी है। तो अब मैं इसमें काजू वाला पाउडर डाल दूँगी, उसके बाद इसे अच्छे से मिलाऊँगी। इसे धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से चाशनी में मिलाएं। इसे मिलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट तक मैं पकाऊंगी और इसे मिलाऊंगी। तो देखिए, हमारा जो काजू का पेस्ट है वो अच्छे से बन चुका है। अब मैं इसे अच्छे से मिलाकर फैला दूंगी कढ़ाई में। इसे मैं अच्छे से कढ़ाई में फैला दे रही हूँ और फैलाकर लगभग 5 से 10 मिनट के लिए इसे मैं ठंडा होने दूंगी। इसे ज़्यादा देर ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो फिर ये हार्ड हो जाएगी। बस 5 से 10 मिनट ही इसे ठंडा करना है। पाँच से दस मिनट हो चुके हैं। मैं सारे काजू को एक साथ जमा कर लूँगी और फिर इसे एक प्लास्टिक के ऊपर निकाल लूँगी। आप इसके लिए कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं है तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। सारे काजू के मिक्सचर को मैं देखिए प्लास्टिक पे निकाल ली हूँ और फिर इसे प्लास्टिक के थ्रू ही हाथों से मैं इसे मल दूँगी। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे मलूँगी और मलने के बाद फिर इस पर प्लास्टिक लगाकर इसे बेल दूंगी अच्छे से। तो देखिए, मैं इसे बेल ली हूँ और इसका कॉर्नर को काटती हूँ। इसका कॉर्नर काटने के बाद इसमें मैं चांदी वर्क लगा दे रही हूँ। इसे लगाने के बाद इसे मैं काट ले रही हूँ बर्फी के आकार में। आप किसी भी आकार में काट सकते हैं इसे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। आप देख सकते हैं, मेरी सारी बर्फी कट चुकी है। देखिए, ये कितनी स्मूथ बनी है। तो चलिए, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
देखिए मैं सारे काजू कतली को एक प्लेट में रखती हूँ। ये कितनी अच्छी बनी है आप देख सकते हैं। मैं आपको एक काजू कतली तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए ये कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है। ये बहुत अच्छे से टूट गई है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।